बच्चों को चैन नहीं है, बताओ कितना खून पीती है ये, अब पता नहीं इसमें क्या आग लग गई, क्या हो गया, क्या परेशानी होगी, बस तमीज इस बुढ़िया को भी चैन नहीं, बता ही दे क्या है, चैन में नहीं है क्या, परेशान कर रखा है जब से आई है। बेटा सोनी मेरी बहुत तबीयत खराब है। तेरे तो रोज का ड्रामा है। ए बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ छोड़, अब बताओगी मुझे क्यों बुलाया है? ए बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, घर का काम सारा ऐसे ही पड़ा है। हाँ तो करो उठ के, मैं नहीं करूंगी। ए बेटा आज तू कर ले, मेरे से नहीं होगा। तुम्हारे रोज के ड्रामे समझ आई, इन ड्रामों में मैं नहीं फंसने वाली, चुपचाप उठो और करो सारा काम। खराब कर रखा है और आइंदा मुझे आवाज मत लगाना। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को, बहुत परेशान करती है, मेरी तबीयत खराब है, आज तो मुझसे काम नहीं होगा, कैसे समझाऊं। हे भगवान। अरे आज घर इतना गंदा क्यों है? सोनी ने काम नहीं करा क्या आज? पूछता हूँ माँ से। माँ कैसा दास बैठी हो? ये बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रखी है, सारा घर का काम देखे ही नहीं पड़ा हुआ है, मैंने सोनी से कहा था घर का काम करने के लिए, तो उसने काम नहीं करा। ए भाई वो मेरे तो सुनती ही नहीं। सोनी सोनी ये भी आ गया मनीष, दोनों माँ बेटों ने मेरे दिमाग खराब कर रखा, मैं तो नहीं जा रही अब सुनने। काम करो काम, मैं तो नहीं करूंगी कुछ इस तरह का काम, आवाज कर रहे सर में दर्द कर देते हैं चिल्ला चिल्ला के, पता नहीं मैं तो नहीं जा रही अब। घर इतना गंदा हो रहा, काम भी नहीं करा तुमने। मैं क्यों करूँ काम, तुम्हारी मम्मी करेगी, मेरा मैं नहीं कर रही इस घर का काम। काम करो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? इस घर में ना तुम मन को शादी करके लाए हो, यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। काम तुम नहीं करोगी कौन करेगा, पूरा घर गंदा पड़ा, मेरी माँ करेगी काम। आंखें है ना तो देख लो इधर, ठीक है? इस कमरे में मैं रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, समझ आई? इस कमरे को मैंने साफ कर लिया, वहाँ बैठने का मैंने नहीं ले रखा, तुम करो तुम्हारी माँ करे, मेरे को नहीं पता इन सब। फोन चला इधर को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें? मैं नहीं करूंगी सारा काम, सुन लो समझ आई? ये कमरा मेरा था, मैंने इसको साफ कर दिया है, बाहर की जिम्मेदारी तुम जानो, तुम्हारी माँ जाने, और आइंदा से मेरा फोन को हाथ मत लगाना। पागल रिंका, दोनों माँ बेटों के ज्यादा ही पर निकल गए लग रहा है, अपनी औकात भूल गए ये मैं किस घर से आई हूँ। अब तो इनकी औकात इन्हें याद दिलानी ही पड़ेगी, ज्यादा ही जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा, इन दोनों माँ बेटों को बताना ही पड़ेगा। मिल गया सुकून, पढ़ गई ठंडा कलेजे को, करवा दी हम दोनों की लड़ाई। ये बेटा सोनी, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस रहने दे बुढ़िया, हम दोनों की लड़ाई करवा दी, तब को अभी भी ठंडक नहीं मिली, बिल्कुल शर्म नहीं है, एक बेटे के घर में रह रही है और उन दोनों की लड़ाई करवा दी है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है बुढ़िया। अगर ना तुम लोगों का ऐसे चला ना, तुम दोनों को ना माँ बेटे को हैज के केस में अंदर कर दूंगी, और जिंदगी भर ना फिर आराम से सर पकड़ के चक्की पीसना, समझ आई? और अभी तुम भी सुन लो, समझ आई? अपनी माँ के कहने पे ज्यादा मत चला करो, नहीं तो तुम्हें भी जेल को जाने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे, सोच लेना तुम दोनों, समझ आई? मेरे को मजाक में मत लेना, जो मैं बोलती हूँ ना वो मैं कर भी देती हूँ। शादी कर कर ना अपनी जिंदगी तो तूने खराब करी, साथ में तूने मेरी जिंदगी और खराब कर दी, और बेटा यूं ना मानने की किसी की। मम्मी मुझे नहीं पता थी ऐसे निकल जाएगी, पहले मुझसे ही मुँह कहती थी कि मैं तुम्हारी मम्मी की सेवा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ ऐसा करेगी। बेटा अमित, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली थी सुधारने की, पर यूं ना समझने की, नाश करने पर लगी हुई। वो तो शुक्र करो माँ, इसने इतनी बात बोल दी हमारे सामने, अगर किसी बाहर के सामने बोल दी थी ना ये, तो आज बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। बस माँ क्या बताऊँ, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता ना, तुझे तो मैंने कितना समझाया था, पर तूने किसी की मान्यता नहीं, तेरे लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते आए, पर तूने ना सुनी उस वक्त किसी की भी, तुझे तो अपनी जिंदगी खराब कर दी थी, सो तूने कर दी,
ए बेटा क्या हो गया तुझे? ए बेटा सोनी। ए भगवान, इसे तो बुखार भी हो रहा बहुत तेज। ए सोनी, अब क्या कर दिया इसने? अरे इसने ना करा कुछ भी, तबीयत खराब हो रखी है। अभी तो मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के साथ इतना गलत किया और कल रात मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी जी ने इतनी मदद करी, पूरी रात सोई नहीं है, मेरी सेवा करती रही और मैंने इनके साथ इतना गलत किया, मुझे माफ कर दो मिस सॉरी। इसमें भी तेरा कोई ड्रामा होगा, ड्रामे कर दिए तू है ना? ओ बेटा, ये ड्रामे नहीं कर रही है, सुधर चुकी है अभी। नहीं मम्मी जी, उनको मत बोलो, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मैंने इतना कुछ करा, इतना गलत गलत बोला, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सुधरी नहीं हूँ। पर अमित मेरा विश्वास करो, मैं सच्ची में अपनी गलती पे पछता रही हूँ, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आगे से जो मम्मी जी कहेंगी, जो आप कहोगे, मैं हमेशा वही करूंगी। मैं थोड़ी पागल थी, मैं अपने पापा के पैसों पर ज्यादा ही कूद रही थी, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक मेरे को इतना प्यार किसी ने नहीं किया जितना मम्मी ने मुझे कल रात को। देखो मेरी मम्मी की इज्जत करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माफ कर दो तुम। माँ, अगर तुमने इसे माफ कर दिया तो मैंने भी कर दिया, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ अमित, अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, हैप्पी फैमिली की तरह। मैं इंदर से ऐसा कभी नहीं करूंगी।